बोलो कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अभी शाम के 5:30 से, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा हनोली मार्केट की साइड। ये ऊपर देखो, धूप लगी हुई है। आज पहली बार ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है सावन में, सावन के महीने पूरा साफ है और ऊपर ब्लू आसमान हो रखा है, हल्के हल्के बादल है। खैर, तो इतना तो होना ही चाहिए। शाम का व्यू कुछ इस तरह का है आज, ये देख सकते हैं आप। पर यार आज धूप लगी बहुत टाइम बाद, मतलब शाम का ये मौसम हो रखा है, एक अलग ही फीलिंग आ रही, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिला है मतलब 1-1.5 महीना हो गया आज तक, क्योंकि हमेशा बारिश ही रहती है। ये देखो, खुद जैसी लग रही है यार सच में, जैसे ना कुछ यादें आ जाती, ताज़ा हो जाती हैं। और दोस्तों ये पुल है जो हमें सड़क तक पहुंचाता है, बीच में आ जाती है रिंगुल नदी जो तुंगनाथ से आती है। आजकल इसका पानी भी ज़्यादा नहीं है, नीचे को जाती है। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है नदी का। ये पुल पार करते ही गांव की हाई स्कूल, जूनियर स्कूल और हाई स्कूल, जूनियर स्कूल ये है, हाई स्कूल थोड़ा ऊपर में है। ये है हाई स्कूल, इसका भी अभी ढंग से निर्माण नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर टीन सेट में क्लास होती है यहाँ पर। और ये है जूनियर हाई स्कूल, इस स्कूल में मैंने भी पढ़ा है, सातवीं में था तब बनी थी स्कूल, तैयार हुई थी तब से यहाँ स्टार्ट होता पढ़ाई। और पीछे ये कमरा तो अभी हाल ही में बना है, कुछ इस तरह का है यहाँ पर। यहाँ पर एक ग्राउंड बन रहा था, वो ग्राउंड भी अभी ऐसा ही है, उससे कार्य भी अभी रुका हुआ है। अभी 20 साल का हूँ और मैं भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ, सुशील है मेरे साथ और यहाँ सब हम भागेंगे। ये जो छोकरे लोग हैं ना, वो नए छोकरे हैं, वो पीछे हैं अभी बैंड पे अग्निवीर में, तो हम होंगे भिड़ती। ए सुशील चल भाग, अभी देखते हैं सुशील के साथ में ऊपर में तक प्रॉपर दौड़ पाता हूँ नहीं दौड़ पाता हूँ। वैसे मैं वर्किंग पे आया हूँ तो देखते हैं, उधर सामने मेरा गांव नहीं दिख रहा, सॉरी। तो यार मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं थक गया हूँ। और वो लुंडे जो अग्निवीर वाले हैं वो आ रहे हैं अभी यहाँ, और वो हमेशा आते हैं शाम को और सुबह। ये इनकी दौड़ लगाई जा रही है, अब मैं देखना चाहूँगा कौन कितना भागता है, कौन पहला दूसरा तीसरा रहता है। और ये मोहित हल्के हल्के कदमों से, मोहित भाग और भाग, रुपेश भयंकर बंडी में, ये भाई डंडा घेर का है, भाग भाई भाग भाग भाग, आंख बंद करके भाग, भीमू भाग भाग, ऐसे नहीं होगा भाई, भाग भाग, मुझे पता सांस फूल की भाग। अरे एक की बिक्की कौन है भाई, ये बड़े ऐंच दो ऐंच दो ऐंच ऐंच, इतने ही बंदे हैं ये तो गाइस, इतने ही बंदे हैं ये। शायद कृष्णा नहीं आया अभी, कृष्णा कहाँ है? अरे कृष्णा तो आया नहीं, शायद कृष्णा नहीं देखा मैंने अभी, और देखता हूँ कृष्णा अगर पीछे छूटा हो तो आज उस पर तंज घुसूँगा, मतलब उपहास उड़ाऊँगा उसका। मुझे तो नहीं लग रहा वो चले गया, पर गया कहाँ, अभी तो इतनी देर होगी, इतनी देर में तो मैं भी पार कर लेता। और मेरे गाँव का व्यू ना यहाँ से बहुत बेहतरीन आता है, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओ भाई यहाँ तो मतलब जितने सार, मतलब जितने खेत भी होंगे हमारे गांव के वो पूरे कवर होते हैं यहाँ से, दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है मेरा गांव श्रीगढ़, और ये पूरी इतनी खेती हमारी है नीचे गदरे तक लगभग, यहाँ 2-4 खेत किसी और के होंगे इस साइड को, ये बाकी यहाँ से ऊपर ऊपर लास्ट ऊपर तक, और ये पूरे हमारे गाँव की खेती है। और यहाँ से गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है, इधर से डांडागेर इस साइड को रह जाता है, और ये मेरे गाँव का व्यू है। अरे एवलास को भगा रहा, ये इनका टीमिंग है, अच्छी बात है ये, जो बंदा पीछे छूट जाता है उसको फिर लेने आते हैं ये लोग और फिर उसको अपने साथ भगाते हैं, और ये सुशील फिर भाग रहा। आशीष साहब का क्या कहना है इनके बारे में, बोल बोल, तुम्हें भिड़ती हुई यार। और आशीष भी एक सेना का जवान है, बोला बोला कुछ नहीं, बुखार हो रहा हूँ। अरे तो बुखार भी नहीं मन चाहिए, हल्की मार हल्की हल्की मार, रुकना हल्की मार। तो ये बंदा आ रहा है, इस बंदे को देखो भयंकर, सबसे लास्ट में ये बंदा, सबसे लास्ट में ये बंदा,
कृष्णा जिसका नाम है। अरे कृष्णा क्या हो गया, मुझे लॉन्ग मतलब ना मुझे बोला था कि मेरे साथ चैलेंज कर ऊपर के बैंड तक, और सबसे लास्ट आ रहा है बंदा। मैं अभी मतलब करोड़पति तो नहीं बोल सकता हूँ, पर 20-30 हज़ार ऐसे ही कमा सकता हूँ। वैसे दिखा देता हूँ आप लोगों को जॉब। ये देखिए यहाँ पर इतने फ़ोन रखे हुए इन लोगों ने, और अगर इनको उठा दूँ मैं तो यार सीधे उठा के भागना पड़ेगा, फिर घर नहीं आना पड़ेगा 2-3 महीने तक। पर यार 2-3 महीने क्या है, उसके बाद भी आऊँगा तो कूटेंगे ये लोग मुझे। तो ये देखिए आने वाले अग्निवीर आग की तरफ भड़क रहे हैं सारे के सारे। देखो भयंकर कृष्णा उधर देखो, ये सब लास्ट में थोड़ा मारने वाला बंदा लास्ट पे। ये देखो ये देखो ये देखो अभी जानबूझ के वहाँ लगा हुआ है, सबसे लास्ट में आने वाला बंदा ये, मतलब सबसे लास्ट के लास्ट से लास्ट। लोग यहाँ पहुँच गए थे आधा रास्ते था। तो देखो गाइस इस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं लोग, पता नहीं ये पोजीशन है क्या, मैं नहीं जानता। लेकिन ये देखो कुछ इस तरह से, मेरी कौन सी पोजीशन है यार। तो अब बोलो ए कृष्ण ये कौन सी पोजीशन है, वो है एक यो शर्मा गया लंडा गर्मी बहुत हो रही है। भीम बोला यो बाप तो यार ये साल गुजर मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं बने यार घूम चाहे। अरे थोड़ा मेरे कटिंग खराब हुई एकदम दौड़ के आए। हेलो गाइस बस गुजर ना बस जिस मोहित ना जयो के छना मुने में बोल कोनो तेजी घूम के आ जा कैसे। हां पर बोल में जिस दिन थोड़ा पीठ पर लचक नहीं, ये तो छाती चोट होगी ना पीठ पर लचीलापन। और सर नहीं यू आवाज ना यार यू ना ये से पहले मैं खुशी में वहाँ बैठी हूँ। अच्छा ये मैं बात नहीं छो नहीं मैं ना ये से पहले ऐसा कुछ करना। मतलब वो रेस भी तुम कम मारा मेरे मार तभी भी मेरी मार है। तो ये देखो यार यो इन्होंने ये बंदा ऐसा ये बंदा देखो इसके हट रे हुआ है। देखो ये बंदा देखो दौड़ सबसे कम लगाएगी लेकिन कूटनीति में सबसे आगे। देखो भाई लोग देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, आई होप ये सब सफल हो जाएं यही कामना करता हूँ। ये देखो लगे हुए हैं एक दूसरे पे सपोर्ट बना के, अब पता नहीं कहाँ तक ये सही है क्या कर रहे हैं लोग, पर जो भी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। अरे अवनीस जान बुझ के अभी मार रहा कि मतलब हैं मतलब हैं अवनीस भाई यार मतलब ये क्या है भाई। अब ये मंकी जंप वो भयंकर ये भी होता है। आज की डेट में ये है कि ग्रेजुएशन हर कोई नॉर्मली कर रहा है, रोज़गार की कमी भी है, इसलिए भी युवा ज़्यादातर वहाँ जाते हैं भर्ती में जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है आजकल युवाओं को। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप पूरी तैयारी पर लगी हुई है, ये मेरे गाँव के हैं, सिर्फ मेरे गाँव और बगल वाले गाँव डांडागैर के हैं। तो नाइट व्यू कुछ इस तरह है मेरे गाँव का, उधर देखो लाइट चमक, अभी पूरी लाइट खुली नहीं है। ये सबसे लास्ट वाला बंदा ही है भयंकर ये देखो शर्म कुछ नहीं ये कृष्णा। आसमान पूरा क्लियर है साफ है आज, देखो नीला आसमान और चंद्रमा, ये सामने हनोरी रह गया और हम घर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल रास्ते में अंधेरा हो रखा, टॉर्च जलानी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि रात को जब तू ना ये सब्सक्राइब का भी बोलता है कि तेरे रहता है, तो मेरे मुंह में कुछ रहता नहीं है। ये देख सकते हैं आप मेरा मुंह में कुछ नहीं रहता है, मेरी मतलब जो बोलने की वो कला बोल सकते हैं या जो भी कह सकते हैं आप वो ऐसे ही है। तो दोस्तों आपको इन अग्निवीरों की जो कोशिश थी वो अच्छी लगी होगी, तो इनके लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखना किसकी मेहनत कैसी है और क्या करना चाहिए इन लोगों को। और बाकी क्या बोलूँ, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड।